एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ i7-12 जनरेशन का पीसी बिल्ड, जिसमें हम लोग ने DDR5 RAM सेटअप पूरा किया है। तो राहुल भाई, हम लोग ने अभी ये पीसी बिल्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? तो इसके अंदर ये i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है जो 12700K है, LGA 1700 का सॉकेट है इसके अंदर, नंबर ऑफ कोर्स 12 है, ये परफॉर्मेंस कोर्स है, 4 एफिशिएंट कोर है और 25 MB का कैची है। ये हुआ i7-12700K, इसका प्राइसिंग पड़ता है अपने को 38,500 का। देन इसके बाद में Z690 का प्राइम मदरबोर्ड यूज किया है, Z690 प्राइम ए आसूस का ही है, विंडोज 11 सपोर्टेड है, इसके अंदर है 4 रैम स्लॉट है, DDR5 सपोर्टेड है, फुल वाइड एडिशन है, प्राइम फुल RGB एडिशन है, इसका प्राइसिंग है अपने को 24,500 rupees का। जी स्केल का ट्राइडेंट Z RGB रैम यूज किया है, 16GB x 2 है, DDR5 है और 5600 MHz का रैम है, CL16 है, इसका प्राइसिंग पड़ता है अपने को 38,500 rupees का। ओके, मतलब रैम का प्राइस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा प्राइसिंग है, DDR5 का प्राइस एक्चुअली बहुत ज्यादा है, 5600 MHz का रैम है और RGB एडिशन है, ये RGB एडिशन इसके हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा है, नॉर्मल एडिशन लेते हैं तो समझो ना 7-8,000 का डिफरेंस आ जाता है। तो लोगों को रुकना चाहिए या फिर DDR5 का नहीं करना चाहिए? DDR4 बिल्ड करो तो बेटर रहेगा, DDR5 का प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई है, तो मेरे हिसाब से तो वर्थ नहीं है। तो थोड़ा रुकोगे तो प्राइसिंग कम होने के चांसेस है, क्योंकि स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं, इसके हिसाब से प्राइसिंग बहुत ज्यादा ऊपर है इसके। ओके, मतलब जिन लोगों को DDR5 करना ही है तो वो लोग को रुक के लेना जरा बेटर है, रुक के लोगे तो थोड़ा बेटर है। प्लस प्रोसेसर का भी प्राइसिंग जरा हाई है? नहीं नहीं, प्राइसिंग एक्चुअली प्रोसेसर का कम हुआ है। ओके, मतलब पहले के हिसाब से आज का प्रोसेसर का प्राइसिंग थोड़ा कम हुआ है, रैम का स्टॉक आ रही नहीं, उसके हिसाब से रैम का प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। प्लस हम लोग इसे सुन रहे हैं कि जो अगर हम बिल्ड करना रहेगा उसको प्रोसेसर मदरबोर्ड रैम ये तीनों कॉम्बो लेना ही पड़ता है। हाँ, प्रोसेसर मदरबोर्ड रैम, जिसको पूरा किट चाहिए रहता है, रैम अलग से मिल रहा नहीं है, प्रोसेसर मदरबोर्ड ले रहे तो ही रैम मिल रहा है, बाकी मिल रहा ही नहीं है। हम लोग के पास भी एक ही पीस आया था, उसके हिसाब से कस्टमर को मंगा के दिया था पैसे। ओके, देन इसके बाद में ऑरस का 1TB Gen 4 है, गीगाबाइट का 1TB Gen 4 SSD ऑरस का, ये पड़ता है अपने को 11,000 rupees का। हम लोग ने डीपोल का कैसल 240EX ARGB यूज़ किया है, जो प्राइसिंग पड़ता है 6,700 rupees का, ये ARGB एडिशन है, एंटी लीक इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, देन इसके अंदर 1700 का सॉकेट लगता है, जो हम लोग ने डीपोल से प्रॉपरली मंगा के दिया है, 1700 का सॉकेट लगता है 12 जनरेशन के अंदर, इसके अंदर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, मतलब डीपोल स्टार्टिंग में प्रोवाइड नहीं करती है, इसको ऑर्डर के हिसाब से मंगाना पड़ता है, 1700 का सॉकेट लगता है इसके अंदर। ओके, और ये सॉकेट का कुछ अलग प्राइस नहीं रहता? साथ में ही प्राइसिंग आ रहा था, कुछ अलग से सॉकेट का प्राइसिंग नहीं है। ओके, देन इसके बाद में MWE 850W गोल्ड है, V2 फुली मॉड्यूलर है, पावर सप्लाई ये पड़ता है अपने को 9,800 rupees का। देन इसके बाद में हम लोग ने यूज़ किया है RTX 3080 10GB का ग्राफिक कार्ड है, गैलेक्स का, SG एडिशन है, 4 फ्रेम वाला है, ये पड़ता है अपने को 1,08,000 rupees का। देन इसके बाद में ये डीपकूल का 560 कैबिनेट यूज़ किया है, ये 4 फैंस वाला कैबिनेट है, ARGB एडिशन है, इसका प्राइसिंग पड़ता है अपने को 4,800 rupees का। तो राहुल भाई, ये टोटल पूरे पीसी बिल्ड का क्या प्राइस पड़ रहा है हमें? टोटल प्राइसिंग पड़ा है इसका 40,000 to 2,45,000 तक पूरा पीसी बिल्ड गया है, ये ओके, ये जो सारे प्राइसिंग है विद GST। ओके, तो गाइस ये था पूरा बिल्ड, आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम टू गाइस। अगर आपको राइट सॉल्यूशन का बजट पीसी बिल्ड्स देखना है तो वो लेफ्ट साइड में है, और अगर आपको उनके ग्राफिक कार्ड के वीडियोज देखने तो राइट साइड में तो जरूर।